नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। एक तरफ पूरी दुनिया को कोरोना देने के बाद अब चीन की घटिया मानसिकता सामने आ रही। पहले कोरोना फैलाया, फिर मास्क बेचने लगा। मास्क तो बेचा, लेकिन वो भी घटिया स्तर का। अब वही चीन भारतीय सीमा पर अचानक से गतिविधियों को बढ़ा दिया है। चीनी सैनिक आए दिन कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत विकास करे और दुनिया का ध्यान कोरोना से भटका रहा। इसी बीच चीन और पाकिस्तान के लिए एक दुख भरी खबर आ रही। भारतीय नौसेना को हिंद महासागर और अरब सागर में चीनी नौसेना की बढ़ती दखलंदाजी से निपटने के लिए अचूक हथियार मिलने की तैयारी शुरू हो गई। अमेरिका से खरीदे जाने वाला MH-60R यानी रोमियो हेलीकॉप्टर किसी भी सबमरीन या जंगी जहाज से निपटने में बेहतरीन। सबमरीन बेड़ा भारतीय नौसेना की सबसे कमजोर कड़ी और हिंद महासागर में चीनी सबमरीन की मौजूदगी चिंता बढ़ा रही। इसी को देखते हुए भारत ने हाल ही में अमेरिका से एक बड़ा समझौता किया था। ये सौदा लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कीमत से 24 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला था। ये समझौता फरवरी में राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान किया गया था। अब लॉकहीड मार्टिन समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना के लिए बनाए गए 3 रोमियो हेलीकॉप्टर को भारत को देने को तैयार हो गया। इन तीनों को भारतीय नौसेना के पायलटों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रोमियो हेलीकॉप्टर्स अगले साल तक भारतीय नौसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। भारतीय नौसेना के पास अभी न्यूक्लियर सबमरीन समेत कुल 16 सबमरीन। भारतीय नौसेना ने 2024 तक कुल 24 नए सबमरीन बनाने की योजना बनाई थी, जिनमें अब तक केवल 2 मिल पाई। वहीं चीन के पास कुल सबमरीन की तादाद लगभग 76 बताई जाती, जिनमें से 10 न्यूक्लियर सबमरीन। चीन पाकिस्तान को भी युआन क्लास की 8 सबमरीन दे रहा है, जिनके 2028 तक पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने की संभावना है। युआन क्लास की सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन लगा है, जिससे ये बेहद खामोशी से समुद्र में रह सकती। चीन अपनी नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और उसकी सबमरीन कई बार हिंद महासागर में देखी गई। साथ ही अपने समुद्री व्यापार की सुरक्षा के नाम पर चीन अपने बड़े जंगी जहाजों को भी अरब सागर और हिंद महासागर में भेज रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अभी भारतीय नौसेना 5 दशक पुराने सी किंग एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर के भरोसे ही है। इसी को देखते हुए फरवरी में एक बड़ा सौदा हुआ और अब समुद्र में भारत भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने लायक बन जाएगा।